बृहद वास्तुमाला के प्रस्तुत पाठ्यांश में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पूर्व के पाठ में आपने दीक्षाधन प्रयोजन, दीक्षाधन से पूर्व की कर्तव्यता, सिद्धांत शिरोमणि आदि ग्रंथों में दीक्षाधन, रात्रि में दिग्ज्ञान का उपाय, पिंडानयन विधि, आय साधन विचार, इन विषयों को आपने अच्छी प्रकार से पढ़ा। अब इस पाठ में आप मेलापक में गणना विचार, ग्रह मेलनादि में राशि ज्ञान, इष्ट नक्षत्र चयनार्थ नक्षत्रों का शुभाशुभत्व, ग्रह मेलापक में नाड़ी विचार की विशिष्टता, आयादि विचार का विशेष महत्व, पिंड से आयादि साधन, नवविध अंशक साधन, द्वादश द्रव्य का साधन, द्वादश द्रव्यों के नाम, नक्षत्र वशात तारा विचार, ग्रह विनाश का कारण, अंशेष साधन, शाला ध्रुवांक आदि का आनयन, इससे विषय आप यहाँ पर पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मेलापक में गणना विचार। ग्रह मेलापक विचार में जन्म राशि और प्रसिद्ध राशि, इन दोनों में नाम राशि का प्रधानत्व है। जैसा कि कहा गया है, देश ग्राम गृह ज्वर व्यवहृतिषु द्योतेषु दाने मंत्रे च सेवा काकिणी वर्ग संगर पुनर्भू मेल के नामभम। अब ग्रह मेलनादि में राशि ज्ञान किस प्रकार हो, इस विषय में कहते हैं। यहाँ पर अश्विनी भरणी कृतिका जो तीन नक्षत्र हैं, इनकी मेष राशि, रोहिणी मृगशिरा इसकी वृष राशि, आद्रा पुनर्वशु की मिथुन राशि, पुष्य आश्लेषा की कर्क राशि, मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी इन तीन नक्षत्रों की सिंह राशि, हस्ता चित्रा की कन्या राशि, स्वाति विशाखा का तुला राशि, अनुराधा ज्येष्ठा के वृश्चिक राशि, मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा इन तीन नक्षत्रों की धनुराशि, श्रवण धनिष्ठा की मकर राशि, षदविशा पूर्व भाद्रपद की कुंभ राशि, उत्तरा भाद्रपद और रेवती इनकी मीन राशि जाननी चाहिए। अब इष्ट नक्षत्र के चयन के लिए नक्षत्रों का शुभाशुभ कहते हैं। कृतिका रोहिणी मृगशिरा इसका फल है उद्वेग, आद्रा पुनर्वशु पुष्य इसका फल है पुत्र प्राप्ति, आश्लेषा मघा पूर्व फाल्गुनी का फल है धन प्राप्ति, उत्तरा फाल्गुनी हस्ता चित्रा का फल है शोक, स्वाति विशाखा अनुराधा का फल है शत्रुभय, ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ा का फल है राजभय, उत्तराषाढ़ा श्रवण धनिष्ठा का फल है मृत्यु, षद्विषा पूर्व भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद का फल है सुख और प्रवास, रेवती अश्विनी भरणी का है मृत्यु। तो यहाँ पर आद्रा पुनर्वशु पुष्य, आश्लेषा मघा पूर्व फाल्गुनी, षद्विषा पूर्व भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद ये नौ नक्षत्र इष्ट नक्षत्र के चयन के लिए सबसे शुभ कहे गए हैं। इसी प्रकार ग्रह मेलापक में नाड़ी विचार के विषय में मिलता है। सर्वम विवाह वज्ञेयम विपरीता तो नाड़िका एक नाड़ीदा यात स्तन्यमेव न चिंतित। यद्यपि विवाह में जितने भी अष्टवर का विचार होता है सब यहाँ पर भी है, प्रायः उसी प्रकार का है, लेकिन नाड़ी विचार में यहाँ पर एक विशेषता है। वहाँ विवाह में एक नाड़ी होने पर निषेध कहा गया है, लेकिन यदि यहाँ ग्रह मिलापक में एक नाड़ी हो तो गृह और गृहेश की एक ही नाड़ी यहाँ पर अत्यंत ही प्रशस्त मानी गई है, फिर अन्य विचार करने की कुछ आवश्यकता ही नहीं रहती है। इसी प्रकार आयादि के विचार में विशेष कहा गया है कि यदि भवन 32 हस्त से अधिक लंबाई रखता हो तो उस भवन में यदि चार मुख हैं यानी चार द्वार हैं तब तृण के घर में अलिंदादि के निर्माण में कभी भी आयादि का विचार नहीं करना चाहिए। इस विषय में कहा गया है, वशिष्ठ का मत है, एकादश यवा दूर्ध्वम द्वात्रिंशत् हस्त कावधि तावदायादिकं चिन्त्यं तदूर्ध्वं नैव चिन्तयेत्। अर्थात 11 यव से लेकर के और 32 हस्त तक का जो घर है या कोई अन्य कार्य है उसमें ही आयादि की चिंता करनी चाहिए, उसके ऊपर आयादि का विचार नहीं किया जाना चाहिए। च्यवन का विशेष कथन है कि तृणनिर्मित भवन में आय और व्यय, शल्यानयन आदि भूमि शुद्धि का विचार नहीं करना चाहिए। जीर्ण ग्रह के निर्माण में शिलान्यास आदि का कार्य भी नहीं किया जाता है। अब पिंड से आयादि का साधन कैसे करेंगे, इस विषय में कहा गया है, पिंडे नवांकांक गजाग्निनाग नागाब्दि नागिर गुणिते क्रमेण विभाजते नाग नगांक सूर्य नागार्क्ष तृत्यक्ष खभानुभिष्य आयु वारांशको द्रव्यम मृणम वृक्षम तिथिर्युति आयुश्चात गृहेर सक्षम ग्रह भेक्यम मृति प्रदम। अर्थात ग्रह निर्माण योग्य भूमि के क्षेत्रफल का मान क्रम से 9, 9, 6, 8, 3, 8, 8, 4, 8 इनसे गुणा करके पुनः 8, 7, 9, 12, 8, 27, 15, 27, 120 इनसे भाग देने पर शेषानुसार क्रमशः आय वार अंशक द्रव्य ऋण नक्षत्र तिथि योग आयु
जानना चाहिए। ग्रह स्वामी का एक नक्षत्र हो तो वह अशुभ है, यानी ग्रह स्वामी और ग्रह का एक नक्षत्र नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों का एक क्या होने पर मृत्यु कारक कहा गया है। जैसे उदाहरण है, जैसे पिंडमान 203 है, यहाँ पर उसको 9 से गुणा किया और 8 से भाग दे दिया तो यहाँ पर शेष 3 आया जो कि सिंह आय है। इसी प्रकार से क्रम से वार, अंशक, द्रव्य, ऋण, नक्षत्र, तिथि, योग और आयु का विचार करना चाहिए। अब नवविध अंशक कहे गए हैं कि किस प्रकार से 9 प्रकार के अंश कौन कौन से होंगे। इस बारे में कहा जाता है कि अर्कश चंद्रा कुजो राहुर जीव मंदज्ञ केतव भृगुपुत्र क्रमेणेव अंशादेश प्रकीर्तिताः। अर्थात सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, जीव, मंद यानी शनि, ज्ञ नमक बुध और केतु और तत्पश्चात भृगुपुत्र, ये क्रम से अंशाधीश कहे गए हैं। इनमें सूर्य, मंगल और शनि के वार और अंश हमेशा ही वन्य भयप्रद कहे गए हैं। इसी प्रकार द्वादश द्रव्यों के नाम भी हमारे यहाँ मिलते हैं जो इस प्रकार के हैं। वस्त्राणि शस्त्राणि च पुस्तकानि द्रव्याणि धान्यानि वसुंधरा च कुटुंब विद्या पशुवाटिकाश्च भाण्डानि भूषाश्च धनानि सूर्यः। अर्थात 12 प्रकार के जो द्रव्य हैं वह क्रम से वस्त्र, शस्त्र, पुस्तक, द्रव्य, धान्य, वसुंधरा अर्थात भूमि, कुटुंब, विद्या, पशु, वाटिका, भांड, भांड अर्थात बर्तन, भूषा आभूषण और धन, ये सूर्याः। सूर्य से तात्पर्य यहाँ पर द्वादश अंक का है, क्योंकि हमारे पुरातन पुराणों में 12 मासों के 12 सूर्य कहे गए हैं, जो प्रतिदिन एक मास का एक सूर्य। इस कारण से हमारे ज्योतिष शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में जहाँ पर हम सूर्य कहेंगे उसका तात्पर्य कई बार अंकों का संज्ञान लेने पर सूर्य अर्थात 12वीं अंक के रूप में लिया जाता है। अब विचार करते हैं नक्षत्रवश तारा विचार, कि नक्षत्र के अनुसार तारा किस प्रकार का होगी। तो गृहेश के नक्षत्र से ग्रह नक्षत्र तक गिनने पर जो प्राप्त संख्या होगी उसे 9 से भाग देने पर जो शेष मान आएगा उसके अनुसार ही क्रम से जन्म, संपद, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मैत्र, अतिमैत्र, ये 9 प्रकार की ताराएं जाननी चाहिए। इसी प्रकार ग्रह नक्षत्र से लेकर गृहस्थ के नक्षत्र तक गणना करने पर पुनः ताराओं को जानना चाहिए। तो इन ताराओं का फल इस प्रकार कहा गया है, विपत् प्रदा विपत् तारा प्रत्यरे प्रतिकूलदा निधनाख्यास्य तारास्तु सर्वथा निधन प्रदात। अर्थात विपत् तारा, प्रत्यरि तारा और निधन नामक तारा हर जगह निषेध हैं। अब ग्रह विनाश किस कारण हो सकता है, इस विषय में कहा गया है, हस्तात्मकम क्षेत्रफलम गजाहतम संवस्त्रेर्भाजित लब्धकम यत् तत्खेन्दुगुण्यम भवनस्य जीवनम यच्छेषितम भूतहृतम विलीयते। जो हस्तात्मक क्षेत्रफल है, पिंड है, उसको गज यानी 8 इससे गुणा करके और संवत्सर से यानी 60 से भाग देने पर जो लब्धि आएगी उसको ख इंदु 10 से गुणा करके वहाँ पर 5 से भाग देने पर जो शेष आएगा उस भूत के अनुसार यहाँ पर यानी जैसे अगर 1, 2, 3, 4 और 0 इस क्रम में क्रम से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनके द्वारा यहाँ पर उस तत्व के द्वारा उस मकान का विनाश समझना चाहिए। अब बात करते हैं अंशेष साधन का, अंशेष साधन किस प्रकार किया जाएगा, इस विषय में कहा गया है, भम्नागतष्टम वय ईरितौषौ ध्रुवादि नाम अक्षरयुक्त पिंडः तष्टो गुणे रिंद कृतान्न भूपा हंसा भवेयुर्न शुभुंत कोत्रः। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अंशक साधन करना चाहिए। इसके पश्चात शाला ध्रुवांका नयन कहा गया है जो इस प्रकार है, दिक्षु पूर्वादितः शाला ध्रुवा भूर्द्वौ कृता गजाः शाला ध्रुवांक संयोगः सेको वैष्म ध्रुवादिकम्। अर्थात पूर्व, दक्षिण,
पश्चिम और उत्तर दिशाओं के लिए शाला ध्रुवांक का जो संख्या है क्रम से 1, 2, 4 और 8 है। जिन दिशाओं में द्वार का निर्माण करना अविष्ट हो वहाँ पर उसके ध्रुवांकों का योग करके और उस पर पुनः एक संख्या जोड़ देनी चाहिए तो ध्रुवादि ग्रह की संख्याएँ प्राप्त हो जाती हैं। जैसे पूर्व दिशाओं में हमें ग्रह का निर्माण करना है तो पूर्व का शाला ध्रुवांक हो गया 1, 1 में पुनः 1 जोड़ा तो दूसरा हो गया, तो हमें षोडश जो ध्रुवादि षोडश ग्रह हैं उसमें से धान्य नामक ग्रह हमारा प्राप्त होगा। तो षोडश ग्रह के नाम इस प्रकार हैं: ध्रुव, धान्य, जय, नंद, खर, कांत, मनोरम, सुमुख, दुर्मुख, क्रूर, रिपुद, धनद, क्षयम, आक्रंद, विपुल और विजय। आपने इस पाठ्यांश में यहाँ एक तरफ शिलान्यास के पश्चात होने वाले अनेक कार्यों के विषय में जाना, वहीं आपने जाना कि पिंड आदि के द्वारा, पिंड के साधन के पश्चात किस प्रकार हम पिंड के द्वारा आयादि अष्ट प्रकार के, नौ प्रकार के जितने भी विशेष आय, वार, अंश आदि हैं इनका ज्ञान कर सकते हैं। साथ ही आपने जाना कि किस प्रकार के तत्वों के द्वारा, किस तत्व के द्वारा इस ग्रह का विनाश होगा इसका भी हम साधन कर सकते हैं। अंत में आपने ध्रुव आदि जो षोडश ग्रह हैं इनका नाम जाना, साथ में ही इनके द्वारा द्वार के अनुसार इनकी संज्ञाएँ किस प्रकार जानी जा सकती हैं इस विषय में आपने ज्ञान प्राप्त किया। मैं समझता हूँ इस पाठ्यांश को पढ़ने के पश्चात आप आयादि साधन करने में अवश्य ही निपुण होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।